हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड। चलिए आइए बेटा, आज हम एक नया कमर्शियल लॉ शुरू करते हैं इन द नेम ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे कि नाम से क्लियर है, ये एक्ट पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए बनाया गया है। हम आगे चल के देखेंगे कि सर कोई भी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए एसोसिएशन बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं काम करने के लिए, फिर वो जो एसोसिएशन बनाते हैं या तो वो उसको पार्टनरशिप में तब्दील करते हैं, या वो उसकी कंपनी बनाते हैं, या वो उसकी ट्रस्ट बनाते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, एंड सो ऑन। ये एक्ट स्पेसिफिकली पार्टनरशिप की एसोसिएशन के लिए है, और ये एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हुआ करता था। जो आपने पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स के भी प्रोविजंस थे और बिजनेस के पार्टनरशिप के भी प्रोविजंस थे, लेकिन आगे चल के लॉ मेकर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गुड्स की सेल को निकाल के अलग कर दिया और उसके लिए अलग लॉ बना दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एंड पैरेलली आगे चल के 1932 में उसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पार्टनरशिप के प्रोविजंस उठा के अलग से एक एक्ट बना दिया इन द नेम ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और ये एक्ट 1932 के अंदर आया। यानी अगर मैं बेसिक बात करूं तो हुआ क्या सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था वो 1872 में आया था, उसके अंदर ही गुड्स की सेल्स की भी बात थी और उसी के अंदर पार्टनरशिप की बात थी। गुड्स की सेल के अलग कर दिया गया, सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजंस को अलग कर दिया गया और उनको एक दूसरे एक्ट में ले जाके एड कर दिया इन द केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको 1930 में बनाया गया। और फिर दो साल बाद लॉ मेकर को रियलाइज हुआ कि हम पार्टनरशिप के प्रोविजंस को भी यहां से हटा के अलग कर सकते हैं, और फिर आगे चल के 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉर्म किया गया। जैसे कि नाम से ही क्लियर है सर, इंडियन, इंडियन का मतलब क्या है? ये जो एक्ट और इसके जो प्रोविजंस है वो हम कहां पढ़ने वाले हैं सर? इंडिया के रेफरेंस में पढ़ने वाले हैं। यानी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सर जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, वैसे ही पार्टनरशिप एक्ट भी जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके बारे में आप जानते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि सर आर्टिकल 370 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी को। राजा हरि सिंह जी द किंग ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्होंने इंडिपेंडेंस के दौरान प्रॉमिस लिया था कि सर जम्मू कश्मीर पे कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी परमिट नहीं करेगी। तो उस प्रॉमिस को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 इंसर्ट किया गया, और 370 के तहत बहुत सारे लॉज जो जम्मू में भेजे ही नहीं गए अप्रूवल के लिए, या वहां पे भेजे गए लेकिन वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उसके चलते ये लॉज आज भी जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, भले ही मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एबॉलिश क्यों ना कर दिया हो। यानी जिस वक्त लॉ बना था तब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जम्मू कश्मीर को एग्जेम्प्ट किया गया था, हाउएवर अब आज के डेट में साल 2020 के अंदर आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन करंटली मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया हो कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर भी उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अभी तक इन लॉज में नहीं आया है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? बैक डेट से।
यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अप्रूवल के बिना हम लॉ वहां पे नहीं लगाएंगे. तो जहां जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी ने, जेएनके कॉन्स्टिट्यूएंसी ने अप्रूवल नहीं दिया, वो लॉज जेएनके में नहीं लगते. हाउएवर अब भले ही मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया है, लेकिन उसके चलते जो रेट्रोस्पेक्टिव बैक डेट से जो जो लॉज जम्मू में नहीं लग रहे थे, वो आज से लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट, जब तक पार्लियामेंट इन लॉज के अंदर चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा. और फिलहाल इन सारे रिस्पेक्टिव लॉज के अंदर ऐसे कोई चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि उसका लॉजिक आप समझ ही रहे हैं कि सर आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत सारे वर्ल्ड वाइड इश्यूज आ गए, इंक्लूडिंग COVID-19, जैसे पेंडेमिक सिनेरियो आ गया. तो सर कोरोना वायरस के चलते गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है. ऐसे वक्त में गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आर्टिकल 370 का रिस्पेक्टिव इफेक्ट अलग अलग एक्ट में दे और अलग अलग एक्ट में जाके जम्मू कश्मीर के ऊपर भी इन एक्ट को अप्लाई करवाए. तो फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ ये एक्ट आज भी जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. एज वेल एज आर्टिकल 372 एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया, जिस आर्टिकल ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 372 ने कहा कि सर बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, लेकिन अगर वो लॉ गुड फेथ में बने हैं, सही लॉजिक के साथ बने हैं, उससे हमारी इकोनॉमी को, हमारे लोगों को नुकसान नहीं है, तो उन लॉज को इंडिपेंडेंस के बाद एज इट इज अडॉप्ट किया जा सकता है. जिसके चलते बहुत सारे एक्ट लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, और आज भी वही लॉ इंडिया में एप्लीकेबल है जो इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन पार्लियामेंट में बनाया गया था. याद कीजिए सर, हमारी इंडिपेंडेंस 1947 में हुई, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर आया, जिसके अंदर पावर दे के पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया गया. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 372 के चलते ये बात क्लैरिफाइड थी कि सर इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के पार्लियामेंट में अगर कोई ब्रिटिशर्स ने लॉ गुड फेथ में बनाया है तो उस लॉ को हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. उनमें से ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी है. देयरफॉर ये एक्ट हम आज भी कौन सी डेट का पढ़ रहे हैं, विच केम इनटू इनएक्टमेंट इन द ईयर 1932. ये 1932 के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इनैक्ट किया था, पास किया था, यानी दिस इज द लॉ मेड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडियन पार्लियामेंट. बात समझ में आ रही है? फर्दर बात समझिएगा जरा एक एक करके. सर 1932 ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया और ये इफेक्टिव कब हुआ? सर ये इफेक्टिव हुआ इंडिया के अंदर फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932. ये बात आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है. तो याद रखिएगा डेट क्या थी इस एक्ट को इनेक्ट करने की, अप्लाई करने की, इफेक्टिव करने की, दैट इज 1 अक्टूबर 1932. और सर एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का लिटरल मीनिंग होता है पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ, पार्लियामेंट्स लॉ, या मैं कह दू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. तो सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इंडियन दर्शाता है कि ये लॉ पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट जेएनके. दूसरा पार्टनरशिप दर्शाता है कि सर ये एक्ट पार्टनरशिप के पर्पस के लिए बनाया गया है. तीसरा एक्ट वर्ड दर्शाता है कि सर ये लॉ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है. एंड चौथा 1932 ईयर ऑफ इनैक्टमेंट दर्शाता है. ईयर ऑफ इनैक्टमेंट का मतलब किस साल में ये लॉ आया था. तो सर ये 1932 में आया था. 1932 में इंडियन पार्लियामेंट में लॉ कौन बनाता था? ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था, लेकिन आर्टिकल 372 के चलते ये लॉ एज इट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया था, एज इट इज अडॉप्ट किया गया था, जिसके चलते आज भी ये लॉ इंडिया में एप्लीकेबल है. हाउएवर ये पहली बार इंडिया में कब इफेक्टिव हुआ था? फ्रॉम द डेट 1 अक्टूबर 1932. क्लियर बेटा? यहां तक की बात क्लियर? आगे देखिएगा सर, हमने यहां पे देख लिया इंडियन का मीनिंग समझ लिया, एक्ट का मीनिंग समझ लिया और 1932 का मीनिंग समझ लिया. अब सवाल ये उठता है ये पार्टनरशिप का मतलब क्या है.
पार्टनरशिप वर्ड बहुत सारे लोग जानते होंगे जो स्पेशली कॉमर्स से 11th 12th पढ़ के आए हैं। सर 11th 12th में आपने अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा, वहां पे बहुत सारे चैप्टर्स थे, एडमिशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो अकाउंट्स में आपने पार्टनरशिप पढ़ा वो क्या था? सर अकाउंट्स अपने आप में कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रखता, अकाउंट्स का लिटरल मीनिंग होता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, कोई कानून बनाया है, उस कानून को अप्लाई कैसे करना है, उस एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग कैसे होनी है, उस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को हम अकाउंटिंग का दर्जा देते हैं। तो सर आपने अभी तक, जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ा उन्होंने अभी तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी, लेकिन उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पीछे लॉ क्या था अब हम वो देखने जा रहे हैं। और अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं जिन्होंने कभी अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं या अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप पढ़ी नहीं, तो उन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर हम तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने जा रहे हैं, इसका बेसिक मीनिंग देखने जा रहे हैं, लॉ के अंदर इसके क्या क्या प्रोविजन आए वो देखने जा रहे हैं। तो आपके लिए और बेहतर है क्योंकि अब पहले आप लॉ समझोगे और बाद में आगे चल के इसकी प्रैक्टिकलिटी देखोगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप का लिटरल मीनिंग क्या है बेटा देखिएगा जरा। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं कुछ पर्टिकुलर बिजनेस चलाने के लिए, सो दैट उस बिजनेस से वो प्रॉफिट कमा सके, और जो भी प्रॉफिट कमाए वो दोनों पार्टी आधा आधा या उस पर्टिकुलर रेशियो में बांट ले जिस पर्टिकुलर रेशियो में उन्होंने तय किया है। अब तय कैसे करते हैं भाई? मान लीजिए एक बिजनेस चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे, आधा पैसा मिस्टर ए ने डाला 5 लाख रुपए, आधा पैसा मिस्टर बी ने डाला 5 लाख रुपए। तो सर दोनों ने आधा आधा पैसा डाला, देयरफॉर 10 लाख से जो भी प्रॉफिट आएगा, मान लीजिए 10 लाख से प्रॉफिट बना 5 लाख का एडिशनल, तो 5 लाख के प्रॉफिट में से आधा 2.5 लाख रुपए मिस्टर बी ले जाएंगे और आधा 2.5 लाख मिस्टर ए ले जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर मिस्टर ए 10 लाख में से 8 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करें, अगर मिस्टर ए 10 लाख में से 8 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करें और मिस्टर बी 10 लाख में से सिर्फ 2 लाख ही कॉन्ट्रीब्यूट करें, तो भाई इसमें आगे चल के हम देखेंगे अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। वैसे लॉजिकली ये कहा जाता है कि सर जिस रेशो में आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसी रेशो में आप चाहें तो प्रॉफिट का हिस्सा भी ले सकते हैं। भाई अगर आप 4:1 की रेशो में, यानी 80% ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ए कर रहा है और 20% ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बी कर रहा है, तो सर 80:20 मतलब 4:1 की रेशो हो गई। तो वो कहते हैं सर फिर 4:1 की रेशो में आप चाहो तो प्रॉफिट भी शेयर कर सकते हो, यानी अगर 5 लाख का प्रॉफिट आया तो 5 में से 4 लाख रुपए एक ए ले लेगा और 5 में से 1 लाख रुपए बी ले लेगा। हाउएवर ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट आप किसी और रेशो में करो और जो प्रॉफिट में आप हिस्सा रखो वो किसी और रेशो में रखो। ये दोनों के पार्टनर की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो अपना प्रॉफिट में शेयर कितना चाहते हैं और कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि सर पार्टनरशिप का लिटरल मीनिंग होता है कोई भी ऐसी एसोसिएशन जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए जिसमें से वो प्रॉफिट कमा के आपस में बांट सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस, जिसमें आज हम सबसे पहली बात देखने जा रहे हैं पार्टनरशिप का मीनिंग। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का मीनिंग दिया गया है। अब सेक्शन 4 क्या कहता है समझेगा। सेक्शन 4 कहता है कि सर पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है हम बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख के आए। एग्रीमेंट का लिटरल मीनिंग होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दो पार्टी का होना जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ ऑफर दे रही है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर दो पार्टीज के बीच में दिया हुआ ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट हो जाता है, यानी वो दोनों पार्टी उस बात पे राजी हो गई हैं। किस बात पे राजी हुई है पार्टनरशिप बनाने के लिए? सर वो राजी हुई हैं बिटवीन टू और मोर पर्सन। सिंपल सी बात है, कम से कम दो लोग होने जरूरी है, अकेला एक बंदा कभी भी पार्टनरशिप नहीं बना पाएगा। यानी अकेला अगर एक बंदा है तो सर वो तो इंडिविजुअल बिजनेस कहलाया जाएगा, जिसको हम बिजनेस में
सोल प्रोप्राइटर कहेंगे, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब मालिक। तो सर एक बंदा इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर बना सकता है, अगर पार्टनरशिप में आना है तो कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने जरूरी हैं। किस चीज के लिए साथ मिल रहे हैं दोनों? टू शेयर प्रॉफिट्स, आपस में मिलके प्रॉफिट बनाने के लिए और वो प्रॉफिट आपस में बांटने के लिए। और प्रॉफिट कहां से आएगा? ऑफ आ बिजनेस। सर बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? बिजनेस का लिटरल मीनिंग होता है सर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपस में दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं, जिससे फिर वो प्रॉफिट क्रिएट कर पा रहे हैं, कुछ कमर्शियल्स क्रिएट कर पा रहे हैं। ये बिजनेस वर्ड को हम आगे डिटेल में देखेंगे केस स्टडीज की सहायता से, लेकिन अभी का मतलब लिटरली समझ लीजिएगा। बिजनेस का मतलब होता है एनी सेट ऑफ एक्टिविटीज इन विच ऑल पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट इन सच अ मैनर सो एज टू क्रिएट प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, तो सर बिजनेस होना जरूरी है, कैरीड ऑन बाय ऑल। वो बिजनेस या तो सारे के सारे पार्टनर चलाएं या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है सर? जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें या तो सारे के सारे पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करें, सारे पार्टनर्स काम करें, या जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स को काम करना है। मान लीजिए एक फर्म में पांच पार्टनर हैं, तो सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पांच में से दो लोग काम करें और बाकी तीन लोग काम ना करें, सिर्फ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करें, फर्म को पार्टनरशिप को पैसा दें बिजनेस चलाने के लिए, और बाकी दो लोग जो हैं वो हो सकता है पैसा ना दे रहे हो, काम कर रहे हो। तो सर दो लोग काम करेंगे, तीन लोग पैसा देंगे, तो ऐसे में जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपस में बांट लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि तीन लोग पैसा देंगे और बाकी दो लोग भी पैसा देंगे और वो काम भी करेंगे। तो सर पैसा पांचों लोग दे रहे हैं तो प्रॉफिट पांचों में बटेगा, लेकिन वो दो लोग जो काम भी कर रहे हैं उनको बाकी सब पार्टनर्स मिलके चाहे तो अलग से सैलरी भी दे सकते हैं। यानी बात को समझिए क्या हो रहा है। सर पांच पार्टनर थे, पांच में से दो लोग काम कर रहे हैं और सब पांचों के पांचों पार्टनर्स ने पैसा लगाया है, तो पांचों ने पैसा लगाया है तो पांचों उस पैसे से कमाए हुए प्रॉफिट के हकदार हैं, लेकिन पांच में से तीन लोग तो अपनी लाइफ में बिजी हैं, ये तो पैसा लगा के भूल गए, अब इन्हें फर्म से कुछ लेना देना नहीं है, पार्टनरशिप फर्म से कोई लेना देना नहीं है, काम जो है एक्चुअली बाकी दो पार्टनर कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि दो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हैं बाकी पार्टनर्स के मुकाबले, तो इन दो लोगों को एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने चाहिए, और इनको जो पैसे मिल रहे हैं उनको रेम्यूनरेशन या सैलरी का नाम भी आप दे सकते हैं। यानी टेक्निकली पार्टनरशिप में हर पार्टनर को काम करना जरूरी नहीं है, कुछ पार्टनर या अकेला एक पार्टनर भी काम करे तो चलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी पार्टनर काम कर रहे हैं वो दूसरों के बिहाफ पे करेंगे, यानी हर पार्टनर एक दूसरे के लिए जिम्मेदार रहेगा। ये बात थोड़ी सी टीडियस है, इस बात को हम एक फॉर्मूले द्वारा बनाने की कोशिश करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा जरा हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने क्या किया, इस सेक्शन 4 की डेफिनेशन को एक फॉर्मूले में तब्दील कर दिया। फॉर्मूला देखिएगा क्या है। हमने फॉर्मूला बनाया कि सर कोई भी पार्टनरशिप तभी पार्टनरशिप होगी, अ पार्टनरशिप इक्वल्स टू एन एग्रीमेंट, सर एग्रीमेंट होना जरूरी है, प्लस का मतलब क्या है सर? दूसरा एलिमेंट भी होना जरूरी है, खाली इनमें से कोई एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यानी क्या क्या एलिमेंट होने जरूरी है देखिए फॉर्मूले में। सर पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर वो एग्रीमेंट किन के बीच में होना चाहिए? वो कह रहा है बिटवीन टू पर्संस, एटलीस्ट कम से कम दो लोगों के बीच में होना चाहिए। प्लस तीसरी कंडीशन, हैविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सर उसी डेफिनेशन को मैंने तोड़ दिया, वो जो भी पर्सन मिल रहे हैं पार्टनरशिप में उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। प्लस फ्रॉम बिजनेस, ये जो प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट कहां से आना चाहिए? बिजनेस से आना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है तो सर फिर ये जो एसोसिएशन है इसको हम पार्टनरशिप का नाम नहीं देंगे। एंड
हैविंग म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब क्या है सर? जो भी पार्टनर बन रहे हैं उन सबका आपस में म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? हर बंदा एक दूसरे की जिम्मेदारी लेगा. मैम ये बात थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है लेकिन ज्यादा क्लियर नहीं हो रही. तो चलिए, अब पहली बात तो हमने फॉर्मूले में पांच एलिमेंट डाल दिए. हमने कहा पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां पे दी है? सेक्शन फोर में. और सेक्शन फोर के अंदर पांच एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए जिनके होने पे, इन पांचों के पांचों एलिमेंट्स के होने पे ही पार्टनरशिप फर्म बनेगी. और वो पांच एलिमेंट्स क्या क्या हो गए सर? सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट होना चाहिए. ये एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटर्न या ओरल भी चलेगा सर. एग्रीमेंट कैन बी एनीथिंग. हम यहाँ पे एग्रीमेंट कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं. इसका मतलब क्या है? याद कीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में फर्क ही क्या है सर? एग्रीमेंट मीन्स एनी ऑफर विच हैज बीन एक्सेप्टेड इज एन एग्रीमेंट. बट इफ एनी एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी किसी भी एग्रीमेंट में सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एलिमेंट्स हैं, तो सर फिर वो एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल हो सकता है. सामने वाली पार्टी अगर अपना प्रॉमिस तोड़े, ब्रीच करे, तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन ले सकती है. तो सर कोई एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट. यानी एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर पार्टनरशिप में वो क्या कह रहा है? एग्रीमेंट होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? सर यहां पे उन्होंने एग्रीमेंट बोला है. उन्होंने कहा एग्रीमेंट होना जरूरी है. इसका मतलब क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा. इसका मतलब है कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को कोर्ट में एनफोर्स कर भी सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप कोर्ट में एनफोर्सेबल ना हो. यानी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में अगर सेक्शन 10 के एलिमेंट्स हैं, वो क्या है अभी हम आगे धीरे धीरे चल के बनाते जाएंगे, तो सर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है. और कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एनफोर्सेबल इन लॉ है. यहाँ पे अगर एक पार्टनर वादा तोड़ रहा है तो दूसरा पार्टनर उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है. लेकिन अगर एग्रीमेंट में, अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एलिमेंट्स नहीं है, तो सर फिर वो एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा और उसका कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी. यानी दैट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इसका मतलब क्या है कि ऐसे केस में एक पार्टनर ब्रीच करेगा भी तो भी दूसरा पार्टनर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाएगा. इसका मतलब ये हुआ, समझिए. अब हम फॉर्मूला बनाना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे कुछ बातों का. जरा देखिएगा एक बार सर, एग्रीमेंट है पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी पार्टनरशिप मे हैव लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे हैव लीगल ऑब्लिगेशन और इट मे नॉट हैव लीगल ऑब्लिगेशन. कुछ केसेस में कोर्ट में जा सकते हैं पार्टनरशिप में, कुछ केसेस में कोर्ट में नहीं जा सकते. और वो केसेस क्या क्या होंगे हम आगे चल के धीरे धीरे बनाते रहेंगे. रेदर आज ही की क्लास में इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे. सेकेंडली उन्होंने कहा सर ये एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन होना चाहिए. यानी इसमें कितने लोग होने चाहिए? वो कह रहे हैं सर मिनिमम कम से कम दो या दो से ज्यादा होने चाहिए. कम से कम दो तो होंगे ही, ठीक है, मिनिमम टू तो होने ही चाहिए. दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी. और ये बात कहाँ पे लिखी है? ये बात लिखी है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए? मैक्सिमम पर्सन कितने होने चाहिए सर? इस बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पार्टनर्स की संख्या बताई कि कम से कम दो लोग होने जरूरी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे ऐसी कोई बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताई. हाउएवर
कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन आया, सेक्शन 464, जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म के मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या बताई गई। और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने कहा कि सर ज्यादा से ज्यादा 50 लोग एक फर्म में पार्टनर हो सकते हैं। मैम आप 50 कह रहे हो, हमने तो 11th 12th में कुछ और पढ़ा है। मैम वहां पे हमने तो पढ़ा था कि बैंकिंग फर्म के अंदर मैक्सिमम 10 लोग पार्टनर हो सकते हैं और बैंक के अलावा अदर बिजनेस फर्म के अंदर मैक्सिमम 20 लोग पार्टनर हो सकते हैं। तो बेटा जो आपने पढ़ा था वो गलत नहीं था, लेकिन ये प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर दिए गए थे। 1956 जो पुराना कंपनी एक्ट था उसके अंदर ये प्रोविजंस दिए गए थे। हावेवर साल 2013 के अंदर नया कंपनी एक्ट आया और उन्होंने पुराने एक्ट को ओवरराइड करके 10 और 20 की बात को खत्म करके 50 की नई लिमिट इंट्रोड्यूस की। तो वैसे तो टेक्निकली कंपनीज एक्ट 1956 खत्म हो गया है, कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। हाउएवर कुछ बुक्स में हो सकता है आप टेक्निकली पुराने लिमिट को याद कर रहे हो, अगर आपने ऐसा कहीं पढ़ा हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि एज ऑफ नाउ इन 2020 कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी एप्लीकेबल इन विच मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर इज गिवन फॉर 50 मेंबर्स। मैक्सिमम 50 लोग पार्टनर बन सकते हैं एक फर्म के अंदर, यानी ये 10 और 20 की बात जो है वो रिडंडेंट हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई। अब ऐसी कोई लिमिट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, हमें ऐसा कोई प्रोविजन अब नहीं पढ़ना, ठीक है? क्लियर है यहां तक की बात? आगे देखिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है सर फर्दर जो दो या दो से ज्यादा अप टू 50 पार्टनर इकट्ठे हुए हैं उनको हम अधिकार दे रहे हैं कि वो प्रॉफिट में शेयर कर सकते हैं, हैविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो मैम क्या खाली प्रॉफिट को ही शेयर करेंगे? बिजनेस में प्रॉफिट आया तो ही शेयर बांटेंगे, हिस्सा बांटेंगे, लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना आके लॉस आ गया तो उन्हें शेयर नहीं बांटना पड़ेगा? नहीं बेटा, यहां पे प्रॉफिट का मतलब है इट इंक्लूड्स लॉसेस आल्सो। लॉसेस इंप्लाइड है, लॉ ने नहीं लिखा बट लॉसेस आर आल्सो इंप्लाइड। लॉ ने क्यों नहीं लिखा लॉसेस वर्ड? सर लॉ ने इसलिए नहीं लिखा कि भाई प्रैक्टिकली जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस में आते हैं तो वो ये सोच के आते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस मेहनत से, इस पैसे से हम और प्रॉफिट कमाएंगे, तो उनका मेजर मोटो प्रॉफिट की तरफ रहता है। देयरफॉर हम यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात लिख के दे रहे हैं। हाउएवर प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस, यानी वट एवर द रिजल्ट, वट एवर द आउटपुट ऑफ द बिजनेस शैल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इन द रिस्पेक्टिव रेशियो। फिर चाहे वो जो भी आउटकम हो, जो भी रिजल्ट हो बिजनेस का, प्रॉफिट या लॉस के केस में दोनों को ही हर पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा। किस रेशो में करना पड़ेगा ये उनके डीड में लिखा होगा, इसके लिए हम साइलेंट है लॉ के अंदर। फर्दर नेक्स्ट कंडीशन वो कह रहा है कि सर ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस आए इट मस्ट कम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस होना बहुत जरूरी है। सर बिजनेस नहीं होगा, अगर बिजनेस नहीं है और बिना बिजनेस के कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो सर उसको हम पार्टनरशिप का दर्जा नहीं देंगे। अब मैम बिजनेस का मतलब क्या होता है? बेटा बिजनेस का मतलब है कोई भी एक्टिविटी जो सारे लोग मिलके कर रहे हैं या उनके बिहाफ पे, सबके बिहाफ पे कुछ लोग कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग प्रॉफिट्स एट द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूडिंग सम कमर्शियल एक्टिविटीज। अब इस बात को लेके कई बार एग्जामिनर ने कंफ्यूजन क्रिएट की, आइए उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं कुछ कुछ इलस्ट्रेशंस देख के। देखिएगा एक एग्जाम्पल बेटा। अब मान लीजिए बेटा हम एक इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, दो लोग हैं मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम,
जो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और दोनों के पास सरप्लस में 50-50 लाख रुपए पड़े हैं। अब दोनों मिलके ये पैसा इन्वेस्ट करके एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मान लीजिए एक मॉल में एक शोरूम खरीदते हैं, शोरूम इन अ मॉल, और फिर वो शोरूम आगे किराए पे चढ़ा देते हैं। यानी पहला काम क्या करते हैं, शोरूम खरीदते हैं प्लस सब्सिक्वेंटली मतलब आगे चल के सब्सिक्वेंटली लेट आउट शोरूम ऑन रेंट। यानी पहला काम क्या किया था, इन्वेस्ट किया था अपने सरप्लस को, और फिर दूसरा काम क्या किया, इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया। अब रेंट आउट करने के बाद हर महीने इनके पास किराया आता था, यानी इन्होंने एक टेनेंट को लेट आउट किया था, एक किराएदार को दी थी प्रॉपर्टी, और ये किराएदार अब रेंट पे कर रहा है लेट से 1 लाख रुपए का। ठीक है, यानी टेनेंट पेज मंथली रेंट ऑफ ₹1 लाख। अब क्योंकि दोनों ने इक्वली पैसा लगाया था, तो जो रेंट आता था वो रेंट भी दोनों इक्वली बांट लेते हैं। दोनों रेंट क्या करते हैं, बांट लेते हैं, आधा इनके पास आधा इनके पास। यानी 50-50 हजार रुपए का किराया दोनों के अकाउंट में रिस्पेक्टिवली चला जाता है। टेनेंट क्या करता है, दोनों के अकाउंट में 50-50 हजार रुपए हर महीने ट्रांसफर कर देता है, टोटल 1 लाख का किराया हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस एग्जाम्पल में जहां पे राम और रहीम ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी में और फिर उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा के किराएदार से किराया लिया, इसको हम क्या पार्टनरशिप का दर्जा देंगे? तो समझते हैं फैक्ट्स को, आइए देखते हैं फैक्ट्स क्या हैं। पहली बात, क्या इन दोनों में, राम और रहीम में एग्रीमेंट है? यस सर, एग्रीमेंट है। दोनों के बीच में कुछ रजाबंदी हुई थी तभी उन्होंने प्रॉपर्टी साथ में खरीदी। दूसरा एलिमेंट क्या था, दो या दो से ज्यादा पर्सन है? यस सर, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन। फर्स्ट कंडीशन अवेलेबल, सेकेंड कंडीशन अवेलेबल, 2 or more persons हैविंग शेयर इन प्रॉफिट्स। क्या दोनों को शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में? यस, दे आर हैविंग शेयर इन प्रॉफिट्स। क्या ये प्रॉफिट्स बिजनेस से है? डज दिस प्रॉफिट इज फ्रॉम बिजनेस? क्या हम इसको बिजनेस बुला सकते हैं? अब प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा, क्या कोई भी प्रॉपर्टी मिलके खरीदना बिजनेस होता है? क्या कोई भी प्रॉपर्टी मिलके खरीदना बिजनेस होता है? सर नहीं, कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिलके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको हम जॉइंट ओनरशिप का दर्जा देते हैं। हम कहते हैं सर उन्होंने ओनरशिप जॉइंटली ली है। ठीक है, जॉइंट ओनरशिप है, ये उनका बिजनेस थोड़ी ना है प्रॉपर्टी खरीद के किराए पे लेना, उनका बिजनेस अपना अलग अलग है। मान लो मिस्टर राम जो है इनकी रेडीमेड गार्मेंट की दुकान है और जो मिस्टर रहीम है इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। तो दोनों अपना अपना काम करते हैं लेकिन दोनों के बिजनेस में से जो प्रॉफिट सरप्लस निकल के आता है उसको वो अपनी मर्जी से
इन्वेस्ट कर देते हैं आगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा सर ये सीधे सीधे जॉइंट ओनरशिप है, इट इज कंसिडर्ड एज जॉइंट ओनरशिप, देयरफॉर वी कैन नॉट कॉल इट एज बिजनेस। ये कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है वो काम जिसके लिए पूरे दिन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके उसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं। सर यहाँ पे तो उन्होंने कोई एफर्ट लगाया नहीं, इनका रिस्पेक्टिव अपना अपना काम था, इन्होंने तो क्या किया वहां कामों से जो प्रॉफिट निकल के आए उसको री इन्वेस्ट कर दिया और एक प्रॉपर्टी में लगा दिया और उस प्रॉपर्टी में ज्वाइंट ओनरशिप ले ली। तो सर ये ज्वाइंट ओनरशिप है, बिजनेस नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का एलिमेंट मिसिंग हो गया, देयरफॉर सर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली वी शैल नॉट कंसिडर इट एज अ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी बिकॉज यहाँ पे बिजनेस का नेसेसरी एलिमेंट मिसिंग है। तो सर टेक्निकली स्पीकिंग मैं ये कह सकती हूँ इस एग्जाम्पल नंबर 1 में कि सर बिजनेस का मतलब सिंपली क्या होता है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम, एनी वर्क जो लोग मिलके कर रहे हैं, जहां पे सब लोग एफर्ट डाल रहे हैं, वेयर इन पार्टनर्स पुटिंग, क्या पार्टनर्स पुट कर रहे हैं, सिर्फ पैसा या एफर्ट भी, पैसा भी लगा रहे हैं, कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ यहां पे एफर्ट्स भी डाल रहे हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए, सो एज टू मेक प्रॉफिट्स देयर फ्रॉम, सो दैट उससे वो प्रॉफिट कमा सकें, सो एज टू मेक प्रॉफिट्स देयर फ्रॉम, उससे वो प्रॉफिट कमा सकें। अब क्योंकि यहां पे राम और रहीम जॉइंटली एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर हैं, सिर्फ उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने में साथ दिया है, आगे चल के कुछ और काम नहीं करते प्रॉपर्टी पे, उनका अपना अपना अलग अलग काम है। तो सर मिस्टर राम का रेडीमेड गार्मेंट्स का शोरूम है, उनका वो बिजनेस हो गया, मिस्टर रहीम का इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, उनका अपना बिजनेस हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने खाली ओनरशिप उन्होंने ज्वाइंटली ली, हाउएवर ये प्रॉपर्टी किसी तीसरे बंदे को दे दी है, उस पर उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बीच बीच में आते हैं, 6 महीने साल भर में आके देख लेते हैं कि टेनेंट उनकी प्रॉपर्टी को सही से मेंटेन कर रहा है या नहीं, बाकी टेनेंट हर महीने उनके अकाउंट में, रिस्पेक्टिव अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है रेंट के नाम से। तो सर ये बिजनेस नहीं है, और क्योंकि ये बिजनेस नहीं है देयरफॉर इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसका मतलब ये तय हुआ कि सर प्रॉफिट्स कहां से आने चाहिए, सर प्रॉफिट्स आने चाहिए बिजनेस से जो सब लोग मिलके कर रहे हो, जहां पे कैपिटल भी कंट्रीब्यूट हो रहा हो और साथ साथ पार्टनर एफर्ट्स भी मार रहे हो फॉर सम कमर्शियल पर्पस, सो एज टू अर्न प्रॉफिट देयर फ्रॉम, सो दैट वहां से वो प्रॉफिट कमा सके। और तो और पांचवा एलिमेंट उन्होंने कहा हैविंग म्यूचुअल एजेंसी। हैविंग म्यूचुअल एजेंसी ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, एजेंसी का मतलब होता है एक दूसरे के बिहाफ पे काम करना। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, इसको हम अगेन एक इलस्ट्रेशन की सहायता से देखते हैं। आइए देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा एजेंसी एक बहुत बड़ा वर्ड है, एजेंसी का मतलब होता है जहां पे एक पर्सन दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। एजेंसी मींस एनी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम वेयर वन पर्सन एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। कोई भी ऐसा काम जहां पे एक पर्सन दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है, जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूं कि मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूं और मैंने
मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में एक एजेंसी हायर की है ABCN एसोसिएट्स, जिनका काम है मेरी क्लासेस को आगे सेल करवाना। तो सर ये फ्रेंचाइजी है, मेरे बिहाफ पे ये क्लासेस आगे सेल करवाती हैं और फिर आगे प्रॉफिट कमा के मुझे देती हैं। इन्होंने आगे मेरी क्लासेस सेल की, वीडियो सेल की, और उससे जो प्रॉफिट आया वो मुझे दे दिया। रेमिट सेल्स प्रोसीड, सेल से जो भी कमाई आई वो मुझे दे दी, और फिर उसमें से मैंने इन्हें कमीशन पे कर दिया, क्योंकि इन्होंने मेरे बिहाफ पे मेरी क्लासेस लोकल मार्केट में बेची थी। यानी मैंने क्या किया, पहले उन्हें अपॉइंट किया, अपॉइंट एजेंट, मैंने सबसे पहले उन्हें अपॉइंट किया कि आप मेरी क्लासेस आगे बेचो, फिर उन्होंने मेरे बिहाफ पे मेरी क्लासेस बेची और जो भी सेल्स प्रोसीड आई, पैसा आया वो मुझे दे दिया, उसमें से उठा के उनका कमीशन मैंने उन्हें ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे मैं, जिनके बिहाफ पे काम हो रहा है, मुझे बुलाया जाएगा प्रिंसिपल, और ABCN एसोसिएट्स जो मेरे बिहाफ पे काम कर रहे थे उन्हें बुलाया जाएगा एजेंट। ठीक है, जिनके बिहाफ पे काम चल रहा है उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, और जो काम कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे एजेंट। यानी सिंपल भाषा में कह दूं, ऑन बिहाफ ऑफ हूम, ऑन बिहाफ ऑफ हूम वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड, जिनके बिहाफ पे काम हुआ वो प्रिंसिपल हैं, एंड हु परफॉर्म्ड, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी वो एजेंट हो गए। इस रिलेशन को, इस तरह के रिलेशन को हम बुलाते हैं लॉ ऑफ एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी, जहां पे एक बंदा दूसरे बंदे के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। अब सोचिए यहां पे ABCN एसोसिएट्स मेरे बिहाफ पे, प्रियंका सक्सेना के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या मैं ABCN एसोसिएट्स के बिहाफ पे काम कर रही हूँ? नहीं, मैं उनके बिहाफ पे काम नहीं कर रही, वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे काम नहीं कर रही। ऐसे रिलेशन को नाम देंगे हम लॉ ऑफ एजेंसी का, वेयर वन पर्सन वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, दैट्स इट, कहानी खत्म। सिंपल सी बात, लॉ ऑफ एजेंसी क्या है, वेयर वन पर्सन वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, यानी मैं क्या एजेंट कहलाई जा सकती हूं? नहीं। और क्या एबीसी प्रिंसिपल कहलाया जा सकता है? क्या मैं उनके बिहाफ पे काम कर रही हूं? नहीं सर, वो मेरे बिहाफ पे कर रहे हैं, मैं उनके बिहाफ पे काम नहीं कर रही हूं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एजेंसी। लेकिन वो कह रहा है सर पार्टनरशिप तब बनती है जब खाली एजेंसी नहीं हो। सर यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, देखिएगा बेटा, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि हर बंदा एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेगा। लेट्स से तीन लोग हैं, पहले मिस्टर राम, दूसरे मिस्टर रहीम, तीसरे मिस्टर जॉन। अब इन तीनों का काम है कुछ करना, कुछ कुछ करना इन तीनों को काम दे रखा है, लेकिन ये तीनों ही एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। मतलब मैम कुछ समझ में नहीं आया, चलिए समझते हैं। सर ये तीनों को क्या कर दिया, काम बांट दिया। लेट्स से इन तीनों ने मिलके एक फर्म बनाई JRRN एसोसिएट्स, जे फॉर जॉन, आर फॉर रहीम, आर फॉर राम, ठीक है, JRRN एसोसिएट्स बनाई। इनका काम है
इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचना, टू सेल इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीनों ने अपना अपना एरिया बांट लिया। मिस्टर राम बैठे हैं पंजाब में, मिस्टर रहीम बैठे हैं दिल्ली में, और मिस्टर जॉन बैठे हैं आसाम में। तीनों ने तय किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी अपनी नियर बाय लोकेशन में बेचेंगे। अब मिस्टर राम ने जब सेल की, इनकी हुई लेट से 50 लाख की सेल्स। मिस्टर रहीम ने जो सेल की, मान लेते हैं इन्होंने सेल्स की 80 लाख की, मेट्रो सिटी में बैठे थे, यहां डिमांड ज्यादा थी। एंड मिस्टर जॉन ने जो सेल की, सर उनकी सेल्स थी लेट से 30 लाख रुपए की, ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली सेल्स निकल के आई। तो क्या मिस्टर राम ने जो 50 लाख की सेल की उसके लिए मिस्टर राम ही मालिक बन गए? क्या वो 50 लाख उन्होंने अपने बिहाफ पे बेचे हैं? क्या वो ही उसके मालिक है? नहीं सर, उन्होंने जो 50 लाख की सेल की है वो तीनों के बिहाफ पे की है। इस 50 लाख की सेल में उनका भी हिस्सा है, रहीम का भी हिस्सा है, जॉन का भी हिस्सा है। सिमिलरली मिस्टर रहीम ने जो सेल की है 80 लाख की, क्या वो टोटली उनकी कमाई है? नहीं सर, उन्होंने इस 80 लाख में उनका कुछ हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कुछ हिस्सा मिस्टर राम और जॉन के बिहाफ पे भी बेचा है। एंड सिमिलरली जॉन ने भी जो सेल की है, कुछ अपने बिहाफ पे, कुछ और पार्टनर्स के बिहाफ पे, यानी मिस्टर राम और मिस्टर रहीम के बिहाफ पे सेल की है। यानी यहाँ पे तीनों पार्टीज ही प्रिंसिपल भी बन जाती हैं। लेट्स से मैं प्रिंसिपल को कह देती हूँ पी, और एजेंट भी बन जाते हैं, इसको कह देती हूँ ए। तो मिस्टर राम जो है वो प्रिंसिपल भी हैं, एजेंट भी हैं। मिस्टर रहीम जो है वो प्रिंसिपल भी हैं, एजेंट भी हैं। मिस्टर जॉन जो है वो प्रिंसिपल भी हैं, एजेंट भी हैं। यानी उन्होंने एज एन एजेंट दूसरों के बिहाफ पे भी माल बेचा है, और कुछ दूसरों ने उनके बिहाफ पे माल बेचा है जिसके लिए वो प्रिंसिपल बन गए। मैम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए, चलो थोड़ा सा और इसको स्पेसिफिक ले लेते हैं हम, समझिए। यहाँ पे मिस्टर राम ने जो सेल की उसके लिए प्रिंसिपल वो कितने अमाउंट के लिए है? सर वो प्रिंसिपल है फॉर 80 लाख प्लस 30 लाख, जो 80 लाख और 30 लाख रहीम और जॉन बेच के आए, इन दोनों अमाउंट के लिए वो प्रिंसिपल है। यानी रहीम और जॉन ने जो सेल की थी उनके बिहाफ पे भी की थी, वो इस अमाउंट के लिए 80 और 30 के लिए प्रिंसिपल है। लेकिन वो एजेंट कितने के लिए है? वो एजेंट है फॉर 50 लाख, जो 50 लाख की उन्होंने सेल की उसके लिए वो एजेंट बन गए। फर्दर मिस्टर रहीम कितने अमाउंट के लिए प्रिंसिपल है, यानी कितने अमाउंट की सेल उनके बिहाफ पे और लोगों ने की? मिस्टर रहीम के बिहाफ पे कितनी सेल और लोगों ने की? सर मिस्टर राम ने सेल की 50 लाख की, और मिस्टर जॉन ने सेल की 30 लाख की। तो यानी 50 प्लस 30 80 लाख के लिए रहीम जो है वो प्रिंसिपल बन गए। इस 80 लाख के लिए वो प्रिंसिपल है जो उनके बिहाफ पे मिस्टर राम और मिस्टर जॉन ने सेल्स की। और मिस्टर रहीम एजेंट कितने के लिए हो गए? सर जो सेल उन्होंने की 80 लाख के लिए। एंड लास्टली मिस्टर जॉन कितने के लिए प्रिंसिपल है, उनके बिहाफ पे कितने लोगों ने सेल की? राम और रहीम ने सेल की 50 लाख और 80 लाख की। तो यानी जॉन बन गए प्रिंसिपल फॉर 50 एंड 80 लाख, और जॉन ने औरों के बिहाफ पे कितनी सेल की? फॉर 30 लाख। ये 30 लाख जॉन ने राम और रहीम के बिहाफ पे भी सेल की। तो सर ऐसे में एक ही बंदा जब प्रिंसिपल भी बन जाए और एजेंट भी, हर बंदा एक दूसरे का एजेंट भी हो जाए, और हर, क्योंकि एक दूसरे का एजेंट हो गया तो दूसरे के बिहाफ पे भी काम कर रहा है, और दूसरा उसके बिहाफ पे भी काम कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रिंसिपल है, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम नाम देते हैं म्यूचुअल एजेंसी का। यानी म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है
हर बंदा एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होगा और हर बंदा एक दूसरे का एजेंट भी होगा। और अगर ये म्यूचुअल एजेंसी हुई एसोसिएशन में तो ही वो पार्टनरशिप का दर्जा ले पाएगी। सर यहाँ पे तीनों में म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट, देयरफॉर तीनों के एसोसिएशन को हम नाम दे देंगे। पार्टनरशिप। मैम सिर्फ म्यूचुअल एजेंसी से पार्टनरशिप हो जाएगी? नहीं बेटा, ये वन ऑफ द एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट्स भी चेक कर लीजिए आप हैं कि नहीं। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करो क्या एग्रीमेंट है, यस। क्या टू और मोर पर्सन हैं, यस। क्या यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यस। क्या यहाँ पे बिजनेस है, बिल्कुल है सर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री हो रही है। क्या यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है, यस। सर पांचों एलिमेंट्स हो गए, देयरफॉर दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन विल बी नोन एज पार्टनरशिप। तो मैम ऊपर वाले में क्या फर्क था? सर यहाँ पे एक बंदा एबीसी एसोसिएट्स मेरे बिहाफ पे सेल कर रहे थे, एजेंट थे, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे कुछ नहीं बेच रही थी। मैं जो भी बेच रही थी अपना प्रोडक्ट बेच रही थी, मैं एबीसी का कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही थी क्योंकि मैं उनके बिहाफ पे काम नहीं कर रही थी। देयरफॉर हमारे बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एग्जाम्पल में सर यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है, एक दूसरे के बिहाफ पे काम नहीं हो रहा, और क्योंकि एक दूसरे के बिहाफ में काम नहीं हो रहा देयरफॉर इस टाइप के एसोसिएशन को भी हम पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दे सकते। ये तो सिंपली प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, फ्रेंचाइजी है। यहाँ पे एबीएन एसोसिएट्स, एबीसी एन एसोसिएट्स हमारा फ्रेंचाइजी है, हमारे उसके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है। क्लियर हो रही है बेटा बात? इसका मतलब मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि म्यूचुअल एजेंसी कब होगी। कंक्लूड करवाइए, जरा फॉर्मूला बनवाइए। सर म्यूचुअल एजेंसी तब होगी जब, वेयर, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर, वेयर, वेयर Each partner acts as agent for all of the other partners plus each partner acts as principal on behalf of whom all the other partners acts as agent। यानी partnership तभी बनेगी जब दो element होने चाहिए, हर partner एजेंट भी होगा और हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होगा एक दूसरे का, तभी पार्टनरशिप बनेगी। और पार्टनरशिप जो बनेगी उसके अंदर जो भी लोग आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, मेंबर्स आएंगे, उनको हम पार्टनर्स के नाम से बुलाएंगे। यानी हर बंदा एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, समझ लीजिए। दैट इज ईच पर्सन शैल बी लायबल for the acts done by other person। अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे हम इसका केस स्टडी भी पढ़ेंगे। वो कह रहा है हर बंदा, यहाँ पे हर बंदा दूसरे बंदे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लायबल होगा, लायबल होगा सर, हर बंदा लायबल होगा दूसरे के लिए। यानी कल को जॉन ने 30 लाख का प्रॉफिट ना कमा के लॉस जनरेट कर दिया, 30 लाख का जॉन लॉस जनरेट कर दिया, लॉस आ गया, तो सर इस लॉस के लिए भी राम और रहीम रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि जॉन ने लॉस किया और राम रहीम ने प्रॉफिट कमाया तो वो जॉन को बाहर कर देंगे, नहीं सर। फिर टोटल देखा जाएगा, टोटल सिंपली काम क्या होगा सर, 50 लाख का प्रॉफिट,
प्लस 80 लाख का प्रॉफिट, माइनस 30 लाख का नुकसान, टोटल 100 लाख का निकल के आएगा नेट। ये 100 लाख तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा 1:1:1 की रेशियो में, भले ही उसमें से एक पार्टनर ने पूरा का पूरा लॉस क्यों ना किया हो, उस लॉस के लिए भी ये लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है। हर बंदा एक दूसरे के फायदे और नुकसान, हर बंदा एक दूसरे के द्वारा किए गए काम के लिए जिसकी वजह से बिजनेस में फायदा हो रहा है या नुकसान, उसके लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वो सही काम हो या गलत काम, चाहे उससे फायदा मिले या नुकसान मिले। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हमने कहा सर 5 एलिमेंट होने जरूरी है पार्टनरशिप में। क्या 5 एलिमेंट हो गए? एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन 2 और मोर persons, having sharing of profits and losses from business, having mutual agency, yani all partners must be acting on behalf of each other, हर पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेगा। तो इस बात को बेटा एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं, आइए देखिएगा कुछ स्लाइड्स के द्वारा। हमने कहा सर सबसे पहले पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कब बनेगा सर? जब ऑफर होगा, प्लस और क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। यस सर, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको डिटेल में देखा था। यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देगा और जिस पर्सन को ऑफर दिया है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो सर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन जाएगा। फिर भले ये लीगली इन्फोर्सिबिलिटी रखता है या नहीं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। फर्दर देयर मस्ट बी 2 और मोर persons, दो लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम बोला है, मिनिमम। मिनिमम कितना होना चाहिए सर? मोर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, यानी एग्जैक्टली 2 भी हो तो भी चलेंगे। तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं सर? ज्यादा से ज्यादा 50, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं बन सकते। अगर आपको 50 से ज्यादा लोग जोड़ने हैं एसोसिएशन में, तो आपको उस फर्म को तब्दील करना पड़ेगा कंपनी के रूप में। यानी एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एक्ट के तहत 50 लोग हो सकते हैं। 50 से ज्यादा अगर आपको और मेंबर्स जोड़ने हैं तो फिर फर्म को खत्म करके उसे कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। फिर कंपनी में आप कितने भी लोग जोड़ सकते हैं एज मेंबर और शेयर होल्डर्स, ठीक है? देन नेक्स्टली फर्दर सर सिर्फ क्या यही 2 कंडीशन होनी चाहिए? नहीं, फर्दर प्लस हमने कहा सर प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। जो भी पैसा आ रहा है वो हर पार्टनर अपना अपना हिस्सा लेके जाएगा। कितना हिस्सा होगा ये वो आपस में तय कर सकते हैं कि इक्वल रखना है या किसी स्पेसिफाइड परसेंटेज में रेशियो में रखना है, बट ये तय है कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट दोनों में बटेगा। और ये प्रॉफिट कहाँ से आना चाहिए सर? ये प्रॉफिट बिजनेस में से आना चाहिए। बिजनेस का मतलब क्या है? सारे लोग मिलके काम करेंगे टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है? सारे लोग मिलके काम करेंगे टू अर्न प्रॉफिट। फर्दर जो भी काम करेंगे वो किस के तहत होनी चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी के तहत होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है सर? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है हर बंदा एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हर बंदा एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप मेरे बिहाफ पे काम करोगे, मैं आपके बिहाफ पे करूंगा। आप मेरे बिहाफ पे काम करोगे, मैं आपके बिहाफ पे करूंगा। आप मेरे बिहाफ पे काम करोगे, मैं आपके बिहाफ पे करूंगा। आप मेरे बिहाफ पे काम करोगे, मैं आपके बिहाफ पे काम करूंगा। हम सब एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे। तो एक फर्म में 5 पार्टनर हो गए तो पांचों के पांचों प्रिंसिपल भी हैं, पांचों के पांचों एजेंट भी हैं। प्रिंसिपल भी हैं, एजेंट भी हैं। प्रिंसिपल भी हैं, एजेंट भी हैं। प्रिंसिपल भी हैं, एजेंट भी हैं। एजेंट वो उस काम के लिए होंगे जो वो खुद कर रहे हैं, यानी जो वो खुद कर रहे हैं वो और पार्टनर्स के बिहाफ पे कर रहे हैं, देयरफॉर और पार्टनर्स उस काम के लिए प्रिंसिपल बन जाएंगे और ये पार्टनर एजेंट होगा, और पार्टनर उनके बिहाफ पे जो काम कर रहे हैं उसके लिए ये प्रिंसिपल होंगे, बाकी पार्टनर रिस्पेक्टिवली एजेंट बन जाएंगे। मैम क्या ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए? यस बेटा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम इस एसोसिएशन को पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। और ये जो एसोसिएशन बन के आएगी, इस एसोसिएशन को पार्टनरशिप कहा जाएगा और इस एसोसिएशन में जो लोग जुड़े हैं उनको रिस्पेक्टिवली पार्टनर्स का स्टेटस मिलेगा।
यानी जो लोग जुड़े हैं वो पार्टनर कहलाए जाएंगे, और जो एसोसिएशन बनी है वो एसोसिएशन हमारे लिए पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानी जाएगी, जिससे रिलेटेड अब हम प्रोविजंस रिस्पेक्टिवली यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? तो आइए देखते हैं, वापस जाते हैं हम अपने नोट्स पे। हमने देखा सर कि भाई ये पांचों एलिमेंट्स हो गए तो सेक्शन 4 के तहत पार्टनरशिप बन गई, लेकिन इस पार्टनरशिप में जो लोग जुड़े उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी था, और वो जो लोग जुड़े उनको हमने नाम दिया पार्टनर का, और जो भी लोग एज अ पार्टनर जुड़े उन पार्टनर को हमने ट्रिप्लीकेट अथॉरिटी दे दी। ट्रिप्लीकेट अथॉरिटी का मतलब होता है तीन रोल इनको दिए जाएंगे सर। पहला, एक तो ये पार्टनर है, दूसरा ये एजेंट है। किसके एजेंट है सर? पूरी फर्म के भी एजेंट है और बाकी सब पार्टनर्स के भी एजेंट है। मैम फर्म और पार्टनर में क्या फर्क है? सर वैसे कोई खास फर्क नहीं है, बट यहाँ पे समझने के लिए कर देते हैं। पार्टनर्स कलेक्टिवली नोन एज फर्म, पार्टनर्स को ही कलेक्टिवली फर्म बुलाया जाता है, पार्टनर्स कलेक्टिवली नोन एज फर्म। तो फर्म के बिहाफ पे भी ये एजेंट है और अदर पार्टनर्स के बिहाफ पे भी, एज वेल एज इनको हम प्रिंसिपल का भी दर्जा देंगे, यानी और पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी हैं। हमने देख ही लिया था बहुत अच्छे से म्यूचुअल एजेंसी में सर, ये औरों के लिए प्रिंसिपल है औरों के बिहाफ पे एजेंट भी है, यानी यहाँ पे इन्हें तीन रोल प्ले करना है, पार्टनर का भी, एजेंट का भी और प्रिंसिपल का भी। और ये एज एन एजेंट और प्रिंसिपल क्यों काम करते हैं? क्योंकि सर पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी है। इस म्यूचुअल एजेंसी को आज से हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। यानी लॉ मेकर कहता है कि सर वैसे तो पार्टनरशिप बनाने के लिए ये सारे एलिमेंट्स होने जरूरी हैं, लेकिन इन सब में भी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे असेंशियल एलिमेंट जो है वो म्यूचुअल एजेंसी का होना चाहिए, क्योंकि ये एक सबसे टेक्निकल एलिमेंट है जो हर तरीके के एसोसिएशन में नहीं होता। भाई हमने देखा था पीछे एक एग्जाम्पल में कि मैंने, प्रियंका सक्सेना ने एक फ्रेंचाइजी हायर की, एक फ्रेंचाइजी अपॉइंट की एबीसी एंड एसोसिएट्स, और उनको कहा कि आप, मैं यहाँ पे दिल्ली में लोकेटेड हूँ, दिल्ली में, आप महाराष्ट्र की सेल्स को कवर कीजिए, आप महाराष्ट्र में मेरे कोर्सेज, मेरी वीडियो क्लासेस सेल कीजिए और उस पर मैं आपको कमीशन दूंगी। तो सोच के बताइए, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, यस। हम दोनों के बीच में टू और मोर पार्टीज हैं, यस सर टू पार्टीज हैं। हम दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, जो भी फीस आ रही है वीडियो क्लासेस बेच के उसमें से कुछ कमीशन में उनको दे रही हूँ, तो कुछ पार्ट है। यहाँ पे क्या बिजनेस हो रहा है? यस इट इज अ नेचर ऑफ बिजनेस ओनली। लेकिन क्या यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है? वो भले ही मेरे बिहाफ पे एज एन एजेंट काम कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं उनके बिहाफ पे एज एन एजेंट काम कर रही हूँ? क्या मैं एबीसी एंड एसोसिएट्स की वीडियो क्लासेस दिल्ली में बेच रही हूँ? नहीं सर, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है, देयरफॉर हम दोनों के एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप का दर्जा नहीं देंगे। तो बेसिकली हम बहुत सारे ऐसे बिजनेस एसोसिएशंस देखेंगे जहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी वहां पे एसोसिएशन को पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दिया जाएगा, रादर वो कुछ और तरीके के एसोसिएशंस हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा मेयर पार्टनरशिप, ये मेयर है, मेयर पार्टनरशिप इन प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी द कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेने से कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बन जाएगी, देयर आर अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑल्सो विच विल कंक्लूड इन टू अ पार्टनरशिप। सर क्या एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा टू और मोर पर्सन होने चाहिए, तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, चौथा बिजनेस में से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। याद रखिए को ओनरशिप, ज्वाइंट ओनरशिप वगैरह ये बिजनेस नहीं होते। एंड पांचवा म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है, सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होंगे और सारे पार्टनर्स ही एक दूसरे के एजेंट भी माने जाएंगे। अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ही वो पार्टनरशिप है, और उसमें भी मोस्ट असेंशियल एलिमेंट जो है वो म्यूचुअल एजेंसी की है। दैट इज यहाँ पे रादर द मोस्ट असेंशियल एलिमेंट, रादर द मोस्ट असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी।
चलिए ये वर्ड इंडस्ट्री में बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको हम कुछ और एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। हमने कहा सर कुछ इस तरीके की एसोसिएशंस होंगी जहां पे या तो एक लेंडर फर्म को पैसे दे रहा होगा, लेंडिंग ऑफ मनी हो रही होगी, या एक पर्सन फर्म को गुडविल दे रहा होगा, या एक पर्सन एज एन एजेंट काम कर रहा होगा। जैसे अभी हमने देख लिया था कि सर मैंने प्रियंका सक्सेना लोकेटेड इन दिल्ली और मैंने एबीसी एंड एसोसिएट्स ऑफ मुंबई को एज अ फ्रेंचाइजी अपॉइंट किया और उनको कहा कि आप मेरी सेल्स महाराष्ट्र स्टेट में करेंगे, मेरी वीडियो सेल्स महाराष्ट्र के स्टेट में करेंगे, जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनको आप वहां पे बेचिए, उससे जो भी पैसा आए मुझे दीजिए, मैं उसमें से आपको कमीशन पे करूंगी। तो सोच के बताइए, मैंने उन्हें राइट दिया टू सेल माय गुड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड ही सोल्ड दोज गुड्स एंड रेमिट द सेल प्रोसीड्स, जो भी उससे पैसा आया वो पैसा मुझे रेमिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और उसमें से फिर मैंने कमीशन दिया। तो सर क्या यहाँ पे एग्रीमेंट है, पहला एलिमेंट है, यस। क्या यहाँ पे टू और मोर पर्सन हैं, यस। क्या यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग है, रुके सर यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं शेयर हो रहा, लेकिन प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के कमीशन के नाम पे दे रहे हैं, उसे भले ही आप लेमैन लैंग्वेज में प्रॉफिट शेयरिंग मान लीजिए। क्या यहाँ पे बिजनेस है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है, सर वो तो मेरे बिहाफ में एज एन एजेंट काम कर रहे हैं लेकिन मैं उनके बिहाफ पे एज एन एजेंट काम नहीं कर रही, मैं एबीसी एंड एसोसिएट्स का कुछ काम नहीं कर रही, वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहे हैं, देयरफॉर आर एसोसिएशन शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं होंगे, रादर उसको हम प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन कहेंगे, मैं उनके प्रिंसिपल हूँ वो मेरे एजेंट। या एक सिचुएशन और बन जाएगी कि सर कोई डिसीज्ड पार्टनर है, किसी फर्म में एक पार्टनर की डेथ हो गई और उनकी विडोअर है, पीछे से उनकी विडोअर रह गई, तो वो अगर प्रॉफिट में से हिस्सा लेती हैं विदाउट कंट्रीब्यूटिंग इनटू द फर्म, विदाउट एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स और विदाउट बीइंग टेकन एज एन प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, तो वो भी हमारे लिए पार्टनर नहीं मानी जाएंगी। इस पॉइंट को हम और डिटेल में जरा इलस्ट्रेशंस की सहायता से देखते हैं। आइए देखिएगा बेटा, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं लेंडर ऑफ मनी का। लेंड मतलब होता है उधार देना, तो जो पर्सन उधार देता है उन्हें लेंडर बोलते हैं और जिनको उधार दिया जाता है उनको बोरोअर बोलते हैं। तो एक मिस्टर है वो दूसरी फर्म को पैसे उधार दे रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या होगा, सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए हम केस वन देख रहे हैं लेंडर ऑफ मनी का, जिसमें एक मिस्टर राम है जिनके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं, बहुत पैसा है इनके पास सरप्लस, और इनके पास एक फर्म आती है, एक फर्म आती है इनके पास एक्स वाई जेड फर्म, और फर्म कहती है सर हमें कुछ पैसों की जरूरत है वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो क्या आप हमें 5 करोड़ का लोन दे देंगे, हम आपको मंथली उस 5 करोड़ के बदले इंटरेस्ट पे करेंगे एक स्पेसिफाइड रेट पे और हर महीने हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे लेट्स से। तो मिस्टर राम जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं वो 5 करोड़ रुपए लेंड कर देते हैं, उधार दे देते हैं एक्स वाई जेड फर्म को, जिसके बदले फर्म उन्हें पर मंथ 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करती है। क्लियर है सिचुएशन। आगे अब इस सिचुएशन में लॉ मेकर कह रहा है कि क्या सर ये जो मिस्टर राम हैं, जो लेंडर हैं जिन्होंने उधार दिया बोरोअर को एक्स वाई जेड फर्म को, लेंड मतलब क्या होता है उधार देना, यानी ये पैसा वापस करना होगा फर्म को और जब तक फर्म ये पैसा यूज कर रही है तब तक इंटरेस्ट देना होगा पर मंथ पे। अब मान लेते हैं इस फर्म का प्रॉफिट निकल के आता है एंड प्रॉफिट वगैरह से ये अपने पार्टनर्स को, इसमें 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड लेट्स से, 3 पार्टनर्स हैं, उन 3 पार्टनर्स को प्रॉफिट देती हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और साथ साथ हर महीने मिस्टर राम को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी दिया जाता है।
अब क्या इस सिनेरियो में हर महीने जहां पे मान लीजिए तीन पार्टनर मिस्टर एक्स वाई जेड जो हैं, उनको एक एक लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है और मिस्टर राम को इंटरेस्ट मिल रहा है, समझिए सिचुएशन क्या हो रही है। मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, इनको एक एक लाख रुपए का प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। लेट्स से 3 लाख का प्रॉफिट है, तो 3 लाख में से एक एक लाख इनको प्रॉफिट बांट दिया। सर एक एक लाख प्रॉफिट बांटा और वहीं पे 1 लाख इंटरेस्ट भी दिया मिस्टर राम को, तो चारों में एक एक लाख बटा, तो क्या मिस्टर राम भी पार्टनर बन गए? लॉ मेकर कहता है नहीं सर, क्या ये म्यूचुअल ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं? क्या म्यूचुअल एजेंसी है इनके बीच में? क्या मिस्टर राम एक्स वाई जी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं? सर यहाँ पे कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। मिस्टर राम डज नॉट वर्क ऑन बिहाफ ऑफ एक्स वाई जी, एक्स वाई जी के बिहाफ पे ये कोई काम नहीं कर रहे। जो मिस्टर राम है ये कोई भी काम, डज नॉट वर्क, कुछ भी काम नहीं कर रहे ऑन बिहाफ ऑफ एक्स वाई जी। जब ये एक्स वाई जी के बिहाफ पे कोई काम नहीं कर रहे तो सर सिंपल सी बात है, ये पार्टनर नहीं होंगे, ये पार्टनर कभी भी नहीं कहलाए जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लेंडर माने जाएंगे जिन्होंने पैसा उधार दिया, जिनका पैसा वापस करना है। हाउएवर सर ये एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, सर इन तीनों ने प्रॉफिट शेयर किया है, क्या इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है? ये सर इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल एजेंसी है, यानी ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। और तो और कल को अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं भी आया, लॉस आ गया, -3 लाख का लॉस है, तो सर फिर वो -3 लाख का लॉस भी तीनों को इक्वली बेयर करना होगा, यानी प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी शेयर होगा, जो लॉस मिस्टर राम के साथ नहीं बेयर होता। तो इसका मतलब राम तो पार्टनर नहीं है लेकिन प्रॉफिट के साथ लॉस शेयर कर रहे हैं एक्स वाई जेड, देयरफॉर ये तीनों पार्टनर्स माने जाएंगे। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? तो लेंडर ऑफ मनी शैल नेवर बी ट्रीटेड एज पार्टनर इन दी फर्म। क्लियर? नेक्स्ट अगला केस देखिए, सेकेंड केस हम बनाने जा रहे हैं गुडविल ओनर का। लेट्स से एग्जाम्पल ले रहे हैं मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर एसआर के, इनकी गुडविल है, इनकी मार्केट में वैल्यू है, और एक कंपनी है बायजूस जो लर्निंग एप्लीकेशन देती है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है मोबाइल पे थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशन कोर्सेस। अब बायजूस लर्निंग ऐप ने, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बायजूस एक फर्म है, लेट्स से वैसे तो वो कंपनी का रूप ले चुकी है बट जब ये शुरुआत में शुरू हुई थी तो लेट्स से ये एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें दो लोग थे जिन्होंने मिलकर काम शुरू किया था और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता चला गया इन्होंने अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए मिस्टर शाहरुख खान को हायर किया और मिस्टर शाहरुख खान को कहा कि आप अपना नाम हमें दीजिए, हम आपके नाम के साथ जुड़ के अपनी ब्रांड की भी मार्केट में गुडविल बढ़ाएंगे। अब मिस्टर शाहरुख खान कहते हैं कि मेरे नाम से आपको गुडविल मिलेगी, मेरा क्या फायदा होगा? तो बायजूस एप्लीकेशन कहते हैं कि सर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना नाम देना है और टाइम टू टाइम कभी कभी हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट करना है, लेकिन क्योंकि आपने परमानेंटली हमें नाम दे दिया, अपनी गुडविल हमें दे दी, तो उसके बदले हर महीने हम आपको कुछ गुडविल के चार्जेस भेजेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर शाहरुख खान ने अपनी गुडविल, अपना नाम दे दिया, अपना नेम लेंड कर दिया फर्म को, बायजूस एप्लीकेशन को नाम लेंड कर दिया और उसके बदले उनको हर महीने 1 लाख रुपए का गुडविल हायर चार्ज मिल रहा है। वैसे तो ये बहुत कम है, करोड़ों में जाता है, बट एक इलस्ट्रेशन मैंने एग्जाम्पल रूप में ले लिया 1 लाख रुपए को समझाने के लिए। ठीक है, वैसे तो जनरली करोड़ों में होता है बट लेट से अभी बायजूस फर्म कह रही है कि सर हम आपको 1 लाख रुपए का हायर चार्ज देंगे, तो सर क्या अब मिस्टर शाहरुख खान बायजूस में पार्टनर बन जाएंगे? सोचिए सर, इन्होंने ना यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है सोच के देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम दिया है मिस्टर एस आर के
लेंडेड हिज नेम, अपना नाम उधार पे दिया है, जिसकी गुडविल है, हैविंग गुडविल, मार्केट में वैल्यू है उनके नाम की, वो कुछ भी कहेंगे लोग उसको मानेंगे, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, फैन हैं जो उनकी बात को फॉलो करेंगे। लेकिन बायजूस जो लेट्स से एक फर्म है, लेट्स से मैं बार बार कह रही हूँ, ये वैसे अब कंपनी बन चुकी है, बट हम इनिशियल स्टेज ले रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने एज अ फर्म काम शुरू किया और शुरुआत में इन्होंने मिस्टर एसआरके का नाम लिया, तो क्या यहाँ पे मिस्टर एसआरके पार्टनर बन गए? सर उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे दो लोग हैं, मिस्टर रविंद्रन एंड मिस दिव्या गोकुलनाथ जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं। लेट्स से ये दोनों पार्टनर हैं, ये लॉसेस और प्रॉफिट्स दोनों शेयर करते हैं, ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ये म्यूचुअल एजेंसी शेयर करते हैं। लेकिन मिस्टर एसआरके जो हर महीने 1,00,000 रुपए गुडविल के चार्जेस ले रहे हैं, क्या उनको भी हम पार्टनर मान लें? सर मान लीजिए ये जो हैं मिस्टर रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ, ये पार्टनर हैं, इनको प्रॉफिट शेयरिंग जाता है 1,00,000 रुपए का, लेट्स से बहुत कम अमाउंट है, ज्यादा होता है, मैं एक रफ एग्जाम्पल बनाने के लिए कह रही हूँ, और मिस्टर शाहरुख खान को भी 1,00,000 रुपए जाता है एज गुडविल हायर चार्ज, तो क्या मिस्टर रविंद्रन और मिस दिव्या गोकुलनाथ पार्टनर माने जाएंगे? चेक कर लेते हैं। सर क्या यहाँ पे एग्रीमेंट है दोनों के बीच में? यस। क्या टू और मोर पर्सन है? यस। क्या यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग है? यस। क्या यहाँ पे बिजनेस है? यस। क्या यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है? क्या दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं? कल को मिस दिव्या से कोई गलती हो गई तो क्या मिस्टर रविंद्रन रिस्पॉन्सिबल है, या मिस्टर रविंद्रन से गलती हो गई तो मिस दिव्या उसकी जिम्मेदारी लेने को राजी है? यस, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी भी है, देयरफॉर ये दोनों पार्टनर माने जाएंगे, इन दोनों को पार्टनर माना जाएगा। लेकिन क्या मिस्टर शाहरुख खान म्यूचुअल एजेंट हैं? यानी मिस्टर शाहरुख खान जो हैं बायजूस के रविंद्रन और दिव्या को अपना नाम दे रहे हैं, लेकिन क्या उनके बिहाफ पे कोई काम कर रहे हैं? सर ये एज एन एजेंट काम कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे एड करते हैं, यानी बायजूस जो है वो प्रिंसिपल है और मिस्टर शाहरुख खान जो है एजेंट है। मिस्टर शाहरुख खान एज एन एजेंट बायजूस के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपना नाम दे रहे हैं, लेकिन क्या बायजूस मिस्टर शाहरुख खान के बिहाफ पे काम करती है? शाहरुख खान सर कौन सी मूवी में रोल प्ले करेंगे, कौन सी मूवी चुनेंगे, कौन सी मूवी को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन हाउस में लॉन्च करेंगे, ये सब बातें क्या बायजूस तय करता है? यानी क्या मिस्टर एसआरके बीइंग अ प्रिंसिपल उनके बिहाफ पे बायजूस एज एन एजेंट कुछ काम कर रहा है? नहीं सर, यहाँ पे ये इनके बिहाफ पे काम नहीं कर रहे, देयरफॉर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है, और क्योंकि दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है, देयरफॉर मिस्टर शाहरुख खान शैल नेवर बी ट्रीटेड एज पार्टनर, उनको हम पार्टनर नहीं मानेंगे क्योंकि वो म्यूचुअल एजेंट नहीं है। हाउएवर बायजूस में मिस्टर रविंद्रन और मिस दिव्या दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है, देयरफॉर बोथ ऑफ देम शैल बी ट्रीटेड एज पार्टनर। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? आगे फर्दर नेक्स्ट तीसरा केस, थर्ड केस देखिएगा। हमने कहा सर लेंडर पार्टनर नहीं है, गुडविल लेंडर भी पार्टनर नहीं है, एजेंट हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। मान लीजिए सर एक स्पाइस की हॉटस्पॉट शॉप है और एक कंपनी है स्पाइस की, इंडियन कंपनी स्पाइस है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, और उन्होंने हॉटस्पॉट को अपना एजेंट हायर किया है। हॉटस्पॉट एक इंडियन ब्रांड है जिन्होंने अलग अलग लोकेशंस पे फ्रेंचाइजी दी है, हॉटस्पॉट के सेंटर खुले हुए जहां पे हर कंपनी के मोबाइल फोन बिकते हैं, लेकिन हॉटस्पॉट स्पाइस को ज्यादा तवज्जो देता है, बिकॉज जैसे मिस्टर मोदी ने कहा है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, वोकल पे लोकल, सर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन हॉटस्पॉट एजेंसी ने इंडियन स्पाइस कंपनी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी एज कम्पेयर टू वीवो ओपो जो चाइनीज कंपनी है, उनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज चाइना के साथ हमारे टर्म्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे। तो भाई यहाँ पे हमने स्पाइस कंपनी ने हॉटस्पॉट को हायर किया कि भाई आप एज एन एजेंट हमारा माल बेचेंगे, हमारा मोबाइल फोन बेचेंगे, उसके बदले हम आपको कमीशन देंगे हर महीने 1,00,000 रुपए की।
अब लेट्स से वैसे तो स्पाइस अगेन कंपनी है, बट प्रैक्टिकल आपको विजुलाइज करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए स्पाइस भी एक फर्म है और ये फर्म हर महीने क्या करती है, जो इसके पार्टनर हैं, लेट्स से तीन पार्टनर हैं, उनको एक एक लाख का प्रॉफिट देती है और हॉटस्पॉट को कमीशन देती है 1 लाख रुपए का। तो इस सिनेरियो में क्या हॉटस्पॉट जो एजेंट है वो पार्टनर बन जाएगा? नहीं सर, सर ये तो लेट्स से स्पाइस जो है वो फर्म है और फर्म में ये पार्टनर्स हैं मिस्टर एक्स वाई जेड, ये तीनों प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन जो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट का मालिक है, वो एज एन एजेंट काम कर रहे हैं। ये तो एजेंट है हॉटस्पॉट, स्पाइस प्रिंसिपल है, लेकिन क्या स्पाइस हॉटस्पॉट के बिहाफ पे एज एन एजेंट काम कर रही है? क्या स्पाइस की कंपनी के स्पाइस के शोरूम्स में हॉटस्पॉट का एड होता है? नहीं सर, ये एज एन एजेंट काम नहीं कर रहे ऑन बिहाफ ऑफ हॉटस्पॉट एज ए प्रिंसिपल। देयरफॉर सिंपल सी बात, यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है, और क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है, देयरफॉर हॉटस्पॉट बीइंग एन एजेंट, जो भले ही कमीशन चार्ज कर रहे हैं, उनको हम एजेंट का ही दर्जा देंगे, वो कभी भी पार्टनर नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? थर्ड एग्जाम्पल, देन फोर्थ, लास्ट एंड फोर्थ एग्जाम्पल देखिएगा बेटा। हमने कहा सर चौथा केस हम मान लेते हैं विडोअर का। लेट्स से एक फर्म है, एक फर्म है जिस फर्म में तीन पार्टनर हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक फर्म है, इस फर्म में तीन पार्टनर्स हैं, ये फर्म है एबीसी, इसमें पार्टनर हैं तीन, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। आगे चल के मिस्टर सी की डेथ हो जाती है और मिस्टर सी की वाइफ हैं मिसेस सी, हुज नाउ अ विडो। इनको, ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इनको कोई बिजनेस नॉलेज नहीं है, ये फर्म में एज एन एजेंट कुछ काम नहीं कर सकती, फर्म के बिहाफ पे कुछ काम नहीं कर सकती। तो भाई सिंपल सी बात, जब ये कुछ काम ही नहीं कर सकती फर्म के बिहाफ पे, यानी यहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट मिसिंग है, म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है। लेकिन इन्होंने कहा कि सर, मिस्टर एबी को कहा कि मेरे हस्बैंड ने जो फर्म में पैसा लगाया था वो पैसा लगे रहने दीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि आप वो पैसा दे देंगे तो महीने, दो महीने, पांच महीने वो पैसा खर्च होके खत्म हो जाएगा, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप एक काम कीजिए, मेरे हस्बैंड ने जो पैसा लगाया था बिजनेस में उसको लगे रहने दीजिए, उसमें से, उस पैसे के बदले आप हर महीने मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, सो दैट मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे घर का खर्चा निकलता रहे। तो उन्होंने कहा लेट मनी इन्वेस्टेड बाय माई हस्बैंड बी इन दी फर्म ओनली, हस्बैंड द्वारा लगाया हुआ पैसा फर्म में ही लगा रहने दीजिए, जो उसका आपको करना आप कीजिए, हस्बैंड अब रहे नहीं, मुझे कोई नॉलेज है नहीं, तो मैं कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर नहीं सकती, मुझे तो हर महीने 1 लाख रुपए दे दीजिए, फिर भले ही उनके पैसों से आप लाखों बनाइए, करोड़ों बनाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 1 लाख रुपए चाहिए। और उनकी इस बात को, इन टर्म्स को ए और बी एग्री कर जाते हैं। तो क्या अब मिसेस सी पार्टनर बन जाएंगी? लॉ मेकर कहता है नहीं सर, सिंस शी इज नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट, म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है, therefore she will never be treated as partner, वो partner कभी भी नहीं मानी जाएंगी, भले ही उन्हें fixed return मिल रहे 1 लाख रुपए के। सर ये losses तो share नहीं कर रही ना, losses share नहीं कर रही, ना ही यहाँ पे mutual agency है, therefore ये partner नहीं है। However और जो partner है, अब A और B बचे, C नहीं रहे, Mr. C नहीं रहे, A और B जो रहे हैं ये partner माने जाएंगे, क्योंकि ये profit share करते हैं। सिंपल सी बात, ये लोग पार्टनर माने जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, अगर फर्म में कल को लॉस आया तो लॉस भी शेयर करेंगे, प्लस इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी भी है, दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? तो आइए समझिएगा जरा, एक बार हम कंक्लूड करते हैं यहाँ तक की बात को। हमने कहा सर सिंपल सी बात, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी है, वैसे तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी है, लेकिन मेन म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि ये हर तरह के की, हर बिजनेस एसोसिएशन में नहीं होती। कोई प्रॉपर्टी को ओन करे, ज्वाइंट ओनरशिप हो, या कोई पैसा लेंड करे, या कोई एज एन एजेंट काम करे,
या कोई आपके लिए यहाँ पे गुडविल को लेंड करे, ये सब बिजनेस के एसोसिएशन हैं, बट यहाँ पे जो भी सामने वाली पार्टी है वो आपके लिए पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए एज एन एजेंट एज वेल एज एन प्रिंसिपल काम नहीं कर रही. सो दिस इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट एज इन द केस हेल्ड इन द लेंडर ऑफ मनी, गुडविल ओनर, एजेंट ऑफ फर्म, विडोअर ऑफ द डिसीज पार्टनर. ठीक है बेटा. सो यहाँ तक की बात को एक बार देख लीजिए. हमने क्या देखा आज? हमने कहा सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठ के आया था, जिसमें इंडियन का मतलब है इट शैल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठ के आया तो उसका इम्पैक्ट इसमें भी है. सेकेंडली ये एक्ट है दैट इज लॉ पास बाय पार्लियामेंट, लेकिन क्योंकि ये एक्ट 1932 में आया था देयरफॉर दिस लॉ इज पास्ड इन इंडियन पार्लियामेंट बाय द ब्रिटिशर्स, which has been adopted in India due to Article 372. Article 372 ने power दी थी constitution के कि जो भी good faith के laws हैं वो after independence भी as it is carry forward होंगे, जिसमें से एक Indian Partnership Act भी है. फर्दर ये एक्ट जो है 1 अक्टूबर 1932 को इफेक्टिव हुआ और इस एक्ट ने मेनली पार्टनरशिप से रिलेटेड provisions बनाए. पार्टनरशिप क्या होती है? सर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ने डेफिनेशन दी, जिसके अकॉर्डिंगली 5 एलिमेंट्स किसी भी बिजनेस एसोसिएशन में होंगे तो वो पार्टनरशिप बन जाएगी. पहला एलिमेंट हमने देखा सर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी एग्रीमेंट बोला है कॉन्ट्रैक्ट नहीं. इसका मतलब है इवन दो एग्रीमेंट इज अनएनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ स्टिल वो पार्टनरशिप हो सकता है. सेकेंडली हमने कहा ये एग्रीमेंट 2 और मोर पर्सन में होना चाहिए, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए जो बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कही है, और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं जो बात अमेंड होके कंपनीज एक्ट 2013 में आई है. 50 से ज्यादा लोग कभी भी पार्टनरशिप फर्म में नहीं होंगे, अगर उससे ज्यादा करने हैं तो फर्म को आपको खत्म करके उसे कंपनी में कन्वर्ट करना होगा. देन थर्डली सर यहाँ पे जो भी पार्टनर्स है वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी शेयर करेंगे. प्रॉफिट लॉसेस दोनों की जिम्मेदारी होगी, बशर्ते ये प्रॉफिट लॉसेस बिजनेस से आए. बिजनेस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होगी जिसमें सब मिलके या कुछ लोग औरों के बिहाफ पे मिलके काम करेंगे फॉर कमर्शियल नेचर, जिसमें वो पैसे के साथ साथ एफर्ट्स भी इन्वेस्ट करेंगे. एंड देन पांचवा, इन सबके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, यानी हर पार्टनर एक दूसरे के लिए एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट काम करेगा. ठीक है, इसमें कहा उन्होंने सर म्यूचुअल एजेंसी होनी बहुत जरूरी है, दिस इज द ट्रू टेस्ट. वैसे तो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए लेकिन मेन एलिमेंट म्यूचुअल एजेंसी का जरूरी है, जो लेंडिंग के केस में, ज्वाइंट ओनरशिप के केस में, विडोअर के केस में, या आपके एजेंट के केस में, या आपके गुडविल लेंडिंग के केस में अवेलेबल नहीं होता. तो जहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है वहां पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और अगर पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई तो जो भी लोग मेंबर्स हैं उनको पार्टनर का नाम दिया जाएगा, और पार्टनर जो हैं उनको 3 स्टेटस दिए जाएंगे. ट्रिप्लिकेट अथॉरिटी होगी, यानी वो एज अ पार्टनर भी काम कर सकते हैं, दूसरा यानी वो पार्टनर तो है ही है, दूसरा वो प्रिंसिपल भी हैं सारे पार्टनर्स के, यानी उनके बिहाफ पे और पार्टनर्स काम करेंगे, एज वेल एज तीसरा वो एजेंट भी हैं, यानी उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम करें. ठीक है बेटा. सो आज की क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इसके आगे के प्रोविजंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.